Namaskar. I am CA. Ramesh Prabhu, Chairman, Maharashtra Society Welfare Association. आज हम चर्चा करने वाले कि 4 जुलाई 2019 को एक रीडेवलपमेंट के ऊपर सर्कुलर जाहिर किया गया है. ये रीडेवलपमेंट के सर्कुलर को लेकर बहुत सारा समस्या लोगों ने हमारे पास पूछा है. उस समस्या को लेकर आज हम ये वीडियो बना रहे हैं. इसमें पहला एक जो सवाल किया गया, क्या रीडेवलपमेंट सिर्फ वही बिल्डिंग का हो सकता है जहां C1 कैटेगरी डिक्लेयर किया गया, या वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बताया जाएगा कि इसका ही रीडेवलपमेंट करना चाहिए, उसी बिल्डिंग का रीडेवलपमेंट किया जाएगा. मुझे लगता है कि वो गलत फहमी लोगों में. देखिए, एक सर्कुलर मैंडेटरी है, क्लियर है. उसमें ये बताया गया कि एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है ये डिसाइड करना चाहिए कि बिल्डिंग को रीडेवलपमेंट जरूरी है. यस, बताया गया सही में, मगर इसका मतलब ये नहीं कि जो भी सोसाइटी रीडेवलपमेंट का निर्णय लेगा तो उसको पहला ही वो अथॉरिटी ने डिक्लेयर करना चाहिए कि वो बिल्डिंग डिलैपिडेटेड है. नहीं है, ये सर्कुलर क्लियर है. आपको जो है एक जनरल बॉडी मिलना चाहिए, जनरल बॉडी में डिसीजन होना चाहिए. जनरल बॉडी में डिसीजन होने के टाइम ये निर्णय लेना चाहिए क्या ये बिल्डिंग को रीडेवलपमेंट करना क्या जरूरी है, या हम इसको आम दौर से रिपेयर करते हुए इसको इकोनॉमिकली उसको इस तरह से काम कर सकते हैं. ये निर्णय जनरल बॉडी ले सकता है, जनरल बॉडी सक्षम है. तो जनरल बॉडी ने एक बार निर्णय लिया कि नहीं, हमें रीडेवलपमेंट करना चाहिए, उसके बाद वो रीडेवलपमेंट की तरफ कदम उठा सकते हैं. फिर कॉमन अथॉरिटी जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, उसके पास जाके अर्जी कर सकते हैं, एप्लीकेशन कर सकते हैं, और वो डेवलपमेंट कंट्रोल रूल के हिसाब से जो भी नियम है उस हिसाब से रीडेवलपमेंट कर सकता है. इसके लिए यदि रिपेयर इकोनॉमिकली नहीं है और रीडेवलपमेंट करना जरूरी है, इसका निर्णय सोसाइटी ले सकती है. कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अपने ऊपर दबाव ला नहीं सकता है, या C1 डिक्लेयर करने के बाद ही हम रीडेवलपमेंट में जा सकते हैं. ये गलत फहमी. दूसरा जो है महत्वपूर्ण जो सर्कुलर में ये बताया गया, सीरियल नंबर 4, ये बताया गया है कि रीडेवलपमेंट का निर्णय क्या मैनेजिंग कमिटी जो अस्तित्व में वही ले सकते हैं, या ऑथराइज ऑफिसर जो रजिस्ट्रार ने अपॉइंट किया उसके कालावधि में भी कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो ऑथराइज ऑफिसर रजिस्ट्रार अपॉइंट करता है, जब कमिटी कामकाज नहीं कर सकते या कमिटी ने कोई गलत काम किया है तो ऑथराइज ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है. ऑथराइज ऑफिसर को डे टू डे काम देखना पड़ता है. ये जो रीडेवलपमेंट जैसा महत्वपूर्ण निर्णय जिसको हम बोलते हैं पॉलिसी डिसीजन, वो ऑथराइज ऑफिसर या एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड नहीं ले सकते. इसके अलग से सर्कुलर भी गवर्नमेंट ने जाहिर किया है. इसके लिए यदि ऑथराइज ऑफिसर है, भले जनरल बॉडी लेकर भी वो रीडेवलपमेंट का बारे में डिस्कशन नहीं ले सकते. उसके बाद सर्कुलर में सीरियल नंबर 9 है. वो सीरियल नंबर 9 में ये बताया गया कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट किसको नियुक्त किया जाता है. तो यदि कोई मेंबर के पास कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, आर्किटेक्ट जो रीडेवलपमेंट करना चाहता है, उसका ऑफर को लेकर, उसका कंसेंट को लेकर जनरल बॉडी में वो रख सकते हैं. मैनेजिंग कमेटी भी कुछ ऑफर्स लेके आ सकते हैं. इस तरह से सजेशन ऑब्जेक्शन ऑफ द मेंबर्स रिगार्डिंग रीडेवलपमेंट जो है अपॉइंटमेंट ऑफ PMC है वो आप कर सकते हैं. ऐसा जरूरी नहीं कि आपको PMC अपॉइंट करने के लिए एक पब्लिक नोटिफिकेशन देना जरूरी है. उसके बाद महत्वपूर्ण जो सीरियल नंबर है वो है 10वां नंबर. उसमें बहुत अच्छे तरह से समझाया गया कि रीडेवलपमेंट का जनरल बॉडी किस तरह से होगा, जनरल बॉडी का कोरम क्या होगा, डिसीजन कैसा लिया जाएगा, कौन सा एजेंडे के ऊपर चर्चा किया जाएगा, ये अच्छे तरह से सीरियल नंबर 10 में बताया गया. पहला मुद्दा ये है कि जनरल बॉडी, ये स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग होगा, उसमें 14 दिन का नोटिस, क्लियर नोटिस दिया जाएगा. उसके बाद उसमें 3 एजेंडा रहेगा. 3 एजेंडा में पहला एजेंडा होगा रीडेवलपमेंट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, दूसरा एजेंडा रहेगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट अपॉइंट करना, तीसरा ये होगा कि रीडेवलपमेंट का रूपरेखा कालावधि किस तरह से होगा, टाइम बाउंड एक्शन कैसा होगा. तो यदि ये सब निर्णय लेना है, पहला ये देखना चाहिए क्या जनरल बॉडी में कोरम है. कोरम कितना बताएगा? कोरम ये बताएगा 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स. मान लीजिए हमारे सोसाइटी में 100 मेंबर्स है, 2/3 मतलब 66.67 होता है. इसका मतलब 67 लोगों का उपस्थिति होना चाहिए, तब वो कोरम बनता है. 67, 68, 100 में से 90, 95, 80 कितना भी हो सकता है, लेकिन 67 के ऊपर होना चाहिए कोरम होगा. अभी इस मेंबर में मेंबर हो सकता है, जॉइंट मेंबर हो सकता है, एसोसिएट मेंबर हो सकता है, या प्रोविजनल मेंबर हो सकता है. अभी एसोसिएट मेंबर का मतलब ये है कि जो मेंबर का रिलेटिव है, मान लीजिए हस्बैंड वाइफ है, या आपका जो भाई बहन है, या जो
बेटा है, ग्रैंडसन है, नेफ्यू है, नीस है, डॉटर इन लॉ है, सन इन लॉ, ये रिश्तेदार है, उनको आप असोसिएट मेंबर बना सकते हैं 100 रुपया भरकर। उनका नाम शेयर सर्टिफिकेट नहीं आएगा, लेकिन वो अथॉरिटी लेटर लेके जनरल बॉडी में आ सकता है और उनका जो उपस्थिति है वो कोरम में गिना जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण, यदि कोरम हो गया और कोई भी निर्णय लेना है उसमें 51% के ऊपर, 51% ऑफ द टोटल मेंबर्स, नॉट द कोरम का, 51% ऑफ द टोटल मेंबर, इधर 100 मेंबर का सोसाइटी है उसमें 51 मतलब 51 मेंबर कम से कम राइटिंग में ये देना चाहिए हमको रीडेवलपमेंट जाना चाहिए, हमें ये पीएमसी अपॉइंट करना चाहिए। यदि वो राइटिंग में आता है तो उस हिसाब से वो कामकाज कर पाएंगे और आगे रीडेवलपमेंट कर पाएंगे। आउट ऑफ 100 67 पीपल शुड बी प्रेजेंट टू फॉर्म द कोरम, एंड आउट ऑफ 67 51 नहीं है, 100 में से 51 मेंबर जो है वो रीडेवलपमेंट के पक्ष में मत करना चाहिए। उसके बाद आता है जो सीरियल नंबर 18 जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस सीरियल नंबर में ये बताया गया कि रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट कैसा होगा, उसमें कौन सा टर्म्स एंड कंडीशन होना चाहिए। तो पहला टर्म्स एंड कंडीशन डेवलपमेंट एग्रीमेंट में ये होना चाहिए कि डेवलपमेंट एग्रीमेंट ऑफकोर्स 3 महीने के अंदर होना चाहिए एक बार निर्णय होने के बाद, और उसके बाद 2 या 3 साल के अंदर रीडेवलपमेंट का कामकाज खत्म होना चाहिए। एक बार आपका अप्रूवल मिल गया, अप्रूवल मिल के बिल्डिंग डिमोलिश करने को चालू हो गया, 2 साल या मैक्सिमम 30 साल के अंदर होना चाहिए। दूसरा, इसमें यह बताया गया है कि 20% जो है बैंक गारंटी देना चाहिए। बहुत सारा बिल्डर आज ये बताते हैं कि हमारा रेरा रजिस्टर्ड है, हम रेरा रजिस्टर करेंगे, इसके लिए पूरा हिसाब किताब है, हम रेरा डेसिंग अकाउंट में रखेंगे, इसके लिए बैंक गारंटी आपको नहीं लेना चाहिए। मुझे ये बताना जरूरी है, जब सर्कुलर आया कि गवर्नमेंट को ये पता था रेरा है, और इसी सर्कुलर में ये बताया गया कि रेरा रजिस्टर्ड बिल्डर को ये आपको लेना चाहिए। इसमें ये भी बताया गया कि जो एरिया कारपेट दिया जाएगा वो भी रेरा के हिसाब से होना चाहिए, मतलब रेरा गवर्नमेंट को मालूम है। इसके लिए बैंक गारंटी अलग चीज़ है, रेरा का नियम पालन करना वो अलग चीज़ है। इसके लिए बैंक गारंटी आपको जो 20% है वो जरूर लेना चाहिए, प्रोजेक्ट कॉस्ट का 20% लेना चाहिए। तीसरा जो है, डेवलपर शैल मेक अल्टरनेटिव अरेंजमेंट, मतलब जो भी अल्टरनेटिव एकोमोडेशन उनको देना चाहिए, यदि नहीं दे सकते तो कम से कम वो भाड़े का व्यवस्था करना चाहिए, भाड़ा भी जो मार्केट रेट है उस हिसाब से होना चाहिए, वो भी डेवलपमेंट एग्रीमेंट का क्लॉज होना चाहिए। उसके बाद सोसाइटी जो है परमानेंट अल्टरनेटिव एकोमोडेशन एग्रीमेंट और डेवलपमेंट एग्रीमेंट जो है सेक्शन 17 के अंतर्गत रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। यदि वो रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, उसका कोई मान्यता नहीं होता है, इसके लिए परमानेंट अल्टरनेटिव एकोमोडेशन और डेवलपमेंट एग्रीमेंट वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। और नया मेंबर को कब एडमिट करना चाहिए, नया मेंबर को तब एडमिट किया जाएगा जब प्रोजेक्ट कंप्लीट किया जाएगा, उन्होंने अपना फ्लैट का पोजीशन लिया जाएगा। उसके बाद जो कारपेट एरिया जो देने वाले हैं मेंबर को या नया मेंबर को, ये सब आपका रेरा कारपेट एरिया ही होना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट है, द डेवलपर को जो अधिकार दिया जाएगा वो ट्रांसफरेबल नहीं होगा, वो ट्रांसफर करना है तो भी सोसाइटी के NOC लगेगा, तो इस तरह से होगा। उसके बाद दी जो टेनमेंट ऑल्टरनेट एकोमोडेशन दिया जाएगा उसका परमानेंट ऑल्टरनेट एकोमोडेशन भी देना चाहिए। ओनली आफ्टर गेटिंग ऑल द अप्रूवल एंड परमानेंट ऑल्टरनेट एकोमोडेशन होने के बाद ही वो फ्लैट बिल्डर को हैंड ओवर करना चाहिए, तब तक कोई भी कार्रवाई नहीं होना चाहिए। उसके बाद राइट्स ऑफ दोस हु हैव फ्लैट्स पोजिशन शैल नॉट बी अफेक्टेड, इसका मतलब ये है यदि मान लीजिए कोई फ्लैट है जो लीगल है ऑक्यूपाई किया है, या कोई डिस्प्यूटेड फ्लैट है जिसमें भाई भाई के अंदर डिस्प्यूट है, बहनों के अंदर डिस्प्यूट है, यदि फ्लैट वो ताबा में है, जिन्होंने ताबा दिया उसी को रिटर्न करना चाहिए यदि कोई कोर्ट का ऑर्डर अलग नहीं होता है तो। इसका मतलब ये है रीडेवलपमेंट करते टाइम कोई डिस्प्यूटेड फ्लैट है जिससे हम लेते हैं उन्हीं को हमें वापस देना है यदि कोई डायरेक्शन कोर्ट के नहीं आता है। उसके बाद यदि कोई डिस्प्यूट है मेंबर के अंदर या सोसाइटी और मेंबर के अंदर, तो हम सेक्शन 91 के हिसाब से कोपरेटिव कोर्ट में लेके जा सकते हैं। यदि कोई डिस्प्यूट बिल्डर के साथ है हमें हाई कोर्ट में लेके जाना होगा, या कोई आर्बिट्रेटर का क्लॉज है वो आर्बिट्रेशन के हिसाब से होगा। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कैसा होगा उसके बारे में भी खुलासा उस डेवलपमेंट एग्रीमेंट में होना चाहिए। उसी तरह से जो रीडेवलपमेंट का जो फ्लैट है उसका अलॉटमेंट जो है अच्छे तरह से होगा, सीरियली होगा। यदि कोई मनभेद है और वो लॉटरी सिस्टम से होने वाला है तो उसका वीडियो शूटिंग होगा, उसमें रजिस्ट्रार का रिप्रेजेंट होगा, उसका सामने ही वो फ्लैट का अलॉटमेंट होगा। यानी ऑफिस बेरर और यदि कमिटी मेंबर, यदि मेंबर, ये कोई भी रीडेवलपमेंट का काम ले नहीं सकता है, डेवलपर नहीं बन सकता है, सोसाइटी कोई मेंबर डेवलपर नहीं बन सकता है, ऑफिस बेरर नहीं बन सकता है, या कमिटी मेंबर भी बन नहीं सकता है। और उसके बाद
जो भी बिल्डिंग का प्लान सेंक्शन होता है और अप्रूवल मिलता है, ये सब सोसाइटी को देना चाहिए और सोसाइटी ने अपना मेंबर को देना चाहिए, जनरल बॉडी में रखना चाहिए। इस तरह से जो डायरेक्शंस है इस सीरियल नंबर 10 में दिया गया, ये महत्वपूर्ण चीज़ को सोसाइटी का मेंबर ने समझना चाहिए, उस हिसाब से रीडेवलपमेंट करना चाहिए। यदि आपको और कोई शंका है 4 जुलाई 2019 को लेकर, रीडेवलपमेंट को लेकर, सेल्फ डेवलपमेंट को लेकर, आप ज़रूर हमें लिखिए या हमें कॉन्टेक्ट करिए। हमारा एसोसिएशन का नाम है महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन और हमारा दूरध्वनि क्रमांक है 02242551414, 02242551425। धन्यवाद।